अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई साहब, आज मैंने नया कैमरा एंगल ढूंढा। ये वाला कैमरा एंगल ट्राई करते हैं आज कि ये वाला कैमरा एंगल कैसा लुक देता है। भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं तो फिर मुझे बता दीजिएगा। पर अभी जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी, आज मैं सारा दिन लगा रहा कि मैं किसी तरीके से अपना जो कैमरा है उसको खुद ही सही कर लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो जितने भी मैंने हरबे इस्तेमाल किए ना, कोई एक भी हरबा कामयाब नहीं हुआ। भाई उस दिन पाकिस्तान जो है इंडिया से हार गया, फिर उस दिन जो है जिम्बाब्वे से 1 रन से हार गया। अभी जो है वो इंडिया भी लगता है हमें ज्वाइन करने लगी है। अब मैं पता चला कि मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका, वो मैं देख रहा हूँ, तो इंडिया भी लगता है जो है वो सेम पार्टी में जो है वो होगी हमारे साथ। आज इंडिया भी हारने लगी है साउथ अफ्रीका से। मुझे नहीं पता इंडिया हारेगी तो कितना चांसेस बनेगा, तो धूप हो जाएगी तो बारिश हो जाएगी, लेकिन ये है कि इस टाइप के सीन बन रहे हैं। अल्लाह करे दोबारा पाकिस्तान जो है आ जाए, उसके लिए ज़्यादा बेहतर। चलें भाई साहब, इंडिया बुरी तरीके से हार रही है आज जो है ना, मतलब हमारा भी कोई ऐसा दिन था जब हम लोग ये सब फेल कर रहे थे, फेस कर रहे थे, आज हमारे बेचारे इंडियन ये लोग फेस करेंगे। और देखें 4 हो गया, ये वाइड मैच है जो मैं देख रहा हूँ। 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। भाई साहब साउथ अफ्रीका जीत गया, वो टॉप ऑफ द टेबल चला गया है। अब देखते हैं पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स बन गए, कितने चांसेस बन गए। अल्लाह करे थोड़ा ऊपर आ जाए यार, कोई सिलसिला बन जाए। अभी ये तो अभी पता चला कि अगर इंडिया ने जानबूझ के हराया यार खुद को, यार भैया साउथ अफ्रीका को हारना था, इंडिया हार गया जानबूझ के, वो तो मुझे अभी पता चला है। वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड। चलें भाई साहब, अभी आप सोच रहे हैं यार आधी रात को ये कहाँ जा रहा है, आपको थोड़ी सी कोने में एक शक्ल नज़र आई होगी, ये आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है। एक दुनिया में बिजिएस्ट बंदा है एलन मस्क, और दूसरे ये दो मेरे दोस्त हैं, एक ये एक जिसके पास जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम को छोड़ें, आप ये बताएं आप इतने बिजी क्यों हैं भाई? 4 महीने पहले वीडियो में आए थे, उसके बाद तुझे पता है अपना काम। अभी हम जा रहे हैं, अबे लाइट लगाओ, नहीं लगवाई तूने? लगी हुई ना, शुक्र है अल्लाह को मान भाई। चलो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं उसके पास, क्या नाम है इसका यार, आरिफ के पास। तो आरिफ के घर जाते हैं, वहाँ से आपको मिलते हैं। दोस्ती रख के ना पछता ले तो भाई, सामने जा रहे हैं आरिफ, और आरिफ हमें ऑलरेडी इतना ख्वार कर चुका है ना, हम लोग जोर से इसके घर पे आए हैं मलीर 15 पे, पता नहीं कहाँ रहता है अभी, हम पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। थोड़ा सा आगे गए तो फिर जो है ना हैदराबाद आ जाएगा, यहाँ ठट्टा आ जाएगा, लेकिन लेके जा रहे हैं हम लोग भी उसके पीछे चले जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। ये अपने आरिफ अपने ले तो आया है लेकिन जगह नहीं है। आरिफ पहले तो इंट्रोडक्शन दे देना भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं भाई? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। अब भाई थोड़ा सा और आगे चले जाते ना तो हैदराबाद आ जाना था। अभी भाई यहाँ पे लेकर आए हैं हम लोग, अभी इन्वायरमेंट आपको दिखाता हूँ, पहले जगह मिल जाए हम लोगों को, जगह नहीं है तो दूसरे के पैसे वैसे हम लोगों को बनी है। हाँ भाई देख लीजिए, हाँ अल्लाह मालिक। जाहिद भाई इसके ऊपर आप कोई रोशनी डालेंगे, आपको बुलाया गया था यहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो आपको इधर कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये क्या सीन है, इधर क्यों बिठाया तुझे? ये नसीब नसीब की बात है भाई, ये आज हमारे पास वसीला है। नसीब नसीब की बात है। असल में 7-8 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, यहाँ का नक्शे चेंज है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब आ गए हैं तो अल्लाह मालिक है, आगे देख। भाई इसको पता ही नहीं था कि क्या एनवायरनमेंट होगा कैसा नहीं, ले आया हम, अभी देखते हैं अल्लाह खैर ही करे। भाई हमारे पास जो पैसे थे हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया है। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भाई, मैंने पहले मालूम किया था, दूसरा ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर किचन। नहीं भाई चले भाई साहब, देखते हैं क्या है, अभी तो हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं, मतलब वेटिंग एरिया बनाया गया है टेम्प्ररी, तो देखते हैं क्या सीन है। ठीक है चले भाई साहब, जगह मिल गई फाइनली हम लोगों को, अभी हम मेन्यू देख रहे हैं यहाँ पे और आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है ना आरिफ के दिल को धक धक, उसकी हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं। आरिफ की जो है ना हार्ट बीट बढ़ रही है, हम लोग मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही मेन्यू सेलेक्ट करते हैं खाना बनाते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं भाई? अनवर बलोच पे। अनवर बलोच एक मशहूर होटल है, 2-3 मरतबा मैंने कोशिश की यहाँ पे आऊँ, लेकिन फेमस है काफ़ी।
ठीक है, अभी ऑर्डर दे देते हैं पहले। चले भाई, जब खाना आ गया हमारा, अभी जो है वो काफ़ी देर लेट थोड़ा सा खाना आया, लेकिन ये कि हमारी जो डिस्कशन है ना वो चल रही थी भाई जाहिद भाई के बारे में। जाहिद भाई की शादी नहीं हो रही, इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की डिस्कशन हुई है, हमारी डिबेट भी हुई है। जाहिद भाई को कुछ मशवरे वगैरह भी हमने दिए हैं, पता नहीं अल्लाह करे वो उसको समझ में आ गई हो। समझ में आई भाई तुझे? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, क्या करना है इंशाल्लाह रात को जाके अब्बा से मशवरा करना है। भाई जाहिद को हमने बोला कि यार शादी करेगा तेरी किस्मत खुलेगी, मतलब अभी भी अल्लाह का शुक्र है खुशहाल है, लेकिन ये कि शादी करने से जो है ना किस्मत खुलती है और वो जो है ना दुल्हन अपना रिस्क खुद लेकर आती है, मतलब आरिफ नहीं बोला। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी करियो, ऐसा ना हो जो तेरे पास है वो भी तेरे से चला जाए। हाँ भाई ये अल्लाह रहम करेगा। आप लोग भी भाई जाहिद के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जाहिद की जो है जल्दी शादी कर दे। सही भाई, आवाम से दुआ मंगवा रहा हूँ तेरे लिए। ठीक है, खाना आ गया, अभी खाना खा लेते हैं। पहले हमारे पास खाने में जो कढ़ाई है, टिक्का है, रोस्ट है, रोटी है, ये सब खा लेते हैं। चले मैं खाना वाना खा लिया, अभी जो है रात के तकरीबन 12 बज गए भाई। हाँ मतलब वही 12 ही बज गए ऑलमोस्ट, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी काफ़ी दूर आए हुए हम लोग, मतलब हमारे घर से तकरीबन ये 20 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर का सफ़र होगा भाई। अभी बाइक पे जाना है, मर्द मुजाहिद बाइक चलाएगा आज भाई। अभी जिस होटल पे हम लोग आए हुए ना, अनवर बलोच है। हाँ ये मलीर 15 वाले रोड पे, मलीर हार्ट वाले रोड के ऊपर है, अनवर बलोच के नाम से। काफ़ी अच्छा रेस्ट है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ से मैं रूफ टॉप पर बैठे हुए। ये देखें आप कैसा एनवायरनमेंट। ये आरिफ आज इसने खाना खिलाया। जैसे ना अभी हम लोग रूफ टॉप के ऊपर हैं और काफ़ी वी आई भी लग रहा है यार। नहीं पीछे देखें कैसा अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। अभी बार खाना वाना हमने खा लिया, अब चलते हैं घर। हमारी चेहरों पर खुशी है, उस भाई के चेहरे पर नहीं गम नहीं है, हंस रहा है भाई। नहीं नहीं वो तो लाल होने की खुशी है, देख नहीं रहा इतना खुश है कि ऊपर से ही लाल हो रहा है भाई। अच्छा भाई माहौल भी वीआईपी है, हमें लिफ्ट विफ्ट लगी हुई, आप लिफ्ट में जाओ आराम से, सीढ़ियों से कौन उतरे। चले भाई सब घर पहुँच गया मुझे, अभी यहाँ पे जाहिद ने आके छोड़ा बेचारा, जाहिद वापस गया तो काफ़ी अच्छा रहा यार। बहुत अरसे बाद इन लोगों से मुलाकात होती है, असल में ये दोनों बहुत बिजी होते हैं, तो महीने में एक आध मुलाकात, अभी तो खैर 2 महीने 3 महीने बाद मुलाकात हो रही है इनसे, तो बड़ा मज़ा आया। अभी घर पहुंच गए और रास्ते में जो है वो बेगम ने कोई सामान बोला था वो लेने के लिए रुक गया था, वो ले लिया, क्योंकि कल जो है पीर है, तो पीर का आपको पता है मैंने रोज़ा रखना। बाल बाल सारे सफ़ेद हो गए, हेलमेट नहीं पहन के गया, बाल बाल सारे सफ़ेद हो गए, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। चलते हैं ऊपर जाके हाथ मुँह धोते हैं और देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। चले भाई साहब मैं हाथ मुँह वगैरह धो के फ्रेश हो गया हूँ। यहाँ पे जो है सानिया और साकिब जो है वीडियो एडिट कर रहे हैं। आज तुझे कैसे ख्याल आ गया भाई काम करने का? इससे मुझे क्या है वो एडिटिंग का, तू थोड़ा सा मुझे सिखाओ तो मैं सिखाने आ गया इसको। सानिया ये तुम्हें सिखाने आया? सानिया जो है ना साकिब से ज़्यादा वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट है। सानिया को ज़्यादा एडिटिंग आती है, साकिब को बिल्कुल एडिटिंग नहीं आती। ये जो भी बोला ना ये झूठ बोल रहा है, ऐसी बस झूठ बोल रहा है, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है बेचारी, सारा एडिट करती है वो व्लॉग। भाई के लिए वीडियो एडिट की नहीं है मैंने, अपने लिए की है वैसे। क्या बनाते हैं? क्या बना रहा हूँ लोगो वगैरह, इसको बहुत अच्छे तरीके से हैं लोगो वगैरह। इसने मुझे डिजाइन करके सेंड किया था एक अपना, क्योंकि कल ही इसको अचानक से जोश चढ़ा कि यार मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है लोगो बना दे, लोगो बना के लोगो दिखा दूं लोगों को। वो लोगो नहीं है, वो कवर है, वो गेमिंग चैनल का ऐसे ही होता था। एक हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ जब आप जॉब में जब करता था तो एक लड़का था हमारे पास, तो उसको जो है ना टास्क मिला कि वो जो है ना हम लोग एक बच्चों के म्यूजियम बना रहे थे, तो उसको टास्क मिला कि जो डायनासोर होते हैं ना उनके उसने बैकग्राउंड चेंज करने थे। अब डायनासोर की जो हिस्ट्री थी और वो टेक्स्ट फॉर्म, ये डायनासोर कहाँ रहता है, क्या खाता था, क्या करता था, वो और उसको इमेज दे देते थे। अब उसने क्या किया, वो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ी नहीं, जो डायनासोर रेगिस्तान में रहता था उसको उसने खड़ा कर दिया भाई बर्फानी तूफान के अंदर, जो बर्फ में रहता था वो रेगिस्तान में चला गया। वो भाई साहब वेबसाइट पर लाइव भी हो गई, बच्चे पढ़ भी रहे हिस्ट्री। एक दिन मैंने देखा वो पढ़ उधर रहा हूँ भाई, ये रेगिस्तान में रहता था और खाता था घास फूस ये वो,
वो जो तस्वीर में खड़ा हुआ वो हिमालय की पहाड़ियों पे खड़ा हुआ। आज भाई खाना खाने गए ना, बड़ी तफरी आई ना। मेरे पास पैसे, मैं पैसे लेके नहीं गया असल में, मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, पैसे बिल्कुल निकाले ही नहीं। जायद ऑलरेडी जो है वो जैसी बेटा जायद कर पैसे नहीं है, और ऊपर से जो है ना उसने वो बड़े महंगे वाले होटल में बिठा दिया। वो तो शुक्र है उसके पास थे तो बचत हो गई, लेकिन खैर हमारे पास कार्ड वगैरह तो था, कार्ड वगैरह से पैसे दे देते, लेकिन ये कि अगर वो कार्ड अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेबल ना होता वहाँ पे तो फिर जो है ना फंस जाना था हम लोगों ने। लेकिन शुक्र है वो उसके पास पैसे थे तो बचत हो गई, वरना जो है वो बर्तन ही धोने पड़ जाते। तूने चैनल बना दिया अपना? मैंने चैनल बनाया, प्राइवेट कर दिया मैंने उसको भी फिलहाल। तो आरपीजी लाइटिंग वगैरह तूने करनी थी, वो करूंगा मैं। अच्छा, वो कल परसों करूंगा, ये कुछ सेटअप करके फिर करूंगा मैं। भाई साहब अभी जो है ना साकिब भी चैनल बना रहे हैं अपना गेमिंग चैनल, तो वो कह रहा है कि जो है ना मैंने चैनल बनाना है। तो आया था रात बेचारा मेरे पास, कहता भाईजान मुझे जो है ना आपकी बड़ी मेहरबानी है, अगर मुझे जो है ना आप अपना आईपैड दे दो और अपना वेबकैम दे दो। तो मैंने कहा चल भाई ले ले, इसमें इसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं। चलो सानिया से पूछते हैं, आईपैड मांग रहा है भाई, आईपैड और वेबकैम 1080p वाला, सानिया दे दूं उसको? हां दे दो। अगर चैनल नहीं चला रहा फिर चलाएगा, वापस दे लेना फिर। खराब कर दिया फिर चले भाई साहब, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर ये आपको नया वाला कैमरा एंगल अच्छा लगा हो ना तो मुझे बताइएगा, तो मैं यही वाला कैमरा एंगल थोड़ा बहुत आज मैंने यूज़ किया है ऐसे कैमरा एंगल को, लेकिन अगर पसंद आया तो मुझे बताइएगा, इसी को यूज़ करूँगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। और दुआ में याद रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।